छोटे से एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। एक मिनट रुकिएगा। ये एंगल मान लो थीटा दे रखा है एंड मान लो आपको मास एंड लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ये भी दे रखा है इज m कॉमा 12 लेंथ 12 मान रहे हैं ठीक है एंड मान लो एक और डेटा आपको दिया हुआ है रॉड हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन ठीक है एट द इंस्टेंस नोड फाइंड एंगुलर मोमेंटम ये ओ पॉइंट मार्क कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओ ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितनी आएगी आपको निकालनी है ठीक है आपको एंगुलर मोमेंट ये ऑब्जेक्ट पहले ये बताओ ट्रांसलेशन में या रोटेशन में या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का केस है ठीक है तो इस केस में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में आपको याद है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं L की वैल्यू जब हम लगाते हैं तो क्या लिखते हैं एक होता है R cross PCR याद है आपको N plus ICM into omega याद है आपको है ना तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम को पहले मार्क करना पड़ेगा क्या है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना एक एक कन्वेंशनल तरीके से तो काफी मेहनत का काम है बट आपको ये चीज मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया था ICR के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्टली एक लाइन में निकाल सकते हैं याद है आपको पहले इसका ICR अगर लोकेट करें तो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो पॉइंट लोअर पॉइंट है वो तो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो अपर पॉइंट है वो डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा होगा वॉल के ऊपर तो इन दोनों के ऊपर जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस केस में एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इनके इंटरसेक्शन से देखो मुझे ICR मिल चुका है दिस इज ICR तो आपको पता है कि ICR के रिस्पेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ने ऑलरेडी आउट ऑफ द प्लेन कह रखा उन्होंने तो श्योर होकर कह सकते हैं कि अब ये आपका ओमेगा इस तरफ होगा सही कह रहा हूं मैं सही कह रहे ना हां सर अब सेंटर ऑफ मास को अगर इसमें लोकेट करें तो सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि बीचों बीच स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया सेंटर ऑफ मास को पहले लोकेट करें तो सेंटर ऑफ मास को आपको पता है बीचों बीच ही होगा ये आपका C1 है और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो अच्छा ये डॉटेड लाइन जो मैंने ICR से सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट किया है ये डिस्टेंस क्या हाफ ऑफ लेंथ ऑफ रॉड ही होगा होगा नहीं होगा सिमेट्री देख के आप कह सकते हैं तो सिंस हाफ ऑफ लेंथ ऑफ रॉड L है क्योंकि टोटल लेंथ तो 12 दे रखा उन्होंने तो इसकी जब आप वेलोसिटी मार्क करोगे DCM को मार्क करोगे तो परपेंडिकुलर टू ये ICR के साथ जो पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर आएगा तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ CM आएगा दिस विल बी VCM एंड ये VCM अगर आप चेक करोगे तो ये होगा ओमेगा इनटू L हो जाएगा राइट ठीक है ना हां ठीक है अच्छा सपोज ये ICR से जो मैंने डायगोनल एक्सटेंड किया है ICR से जो मतलब जो पॉइंट CM को कनेक्ट किया है उस लाइन को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या यहां पे मीट कर जाएगा क्या ओ पे
हाँ सर करेगा। मीट करेगा ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर बन रहा है ना, सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का डायगोनल तो एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है ना, समझ आ यस रही है सर। आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ओ के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है ओ के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर आएगा, वो पोजीशन वेक्टर का भी जो लेंथ होगा वो आपका एल ही होगा। बट वीसीएम के आप कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये एंगल वापस से देखो आप, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इधर से 90 माइनस थीटा, मतलब इधर से भी 90 माइनस थीटा। देखो एक बार एंगल से मार्क कर रहा हूँ, देखो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछना, ठीक है। सो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो VCM का कंपोनेंट ब्रेक किया तो ओमेगा एल इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा, एंड इधर का कंपोनेंट लिया तो ये हो जाएगा ओमेगा एल कॉस थीटा। देखो सब समझ आया, डायग्राम समझ आई है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल कॉस थीटा, एंड ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल साइन थीटा। एक चीज चेक करो, ओमेगा एल कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें, उसके लिए अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें तो एल कॉस थीटा के साथ वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा हाँ सर। आर क्रॉस पी में याद है वी और आर को परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, तो इसको अगर लिखते तो क्या लिखते, एम इंटू ओमेगा एल कॉस थीटा एंड इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज एल कॉस थीटा, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ट्स है ना, देखो तो एक बार, है नहीं इनवर्ट्स, इनवर्ट्स है, ठीक है। वो ओमेगा एल कॉस थीटा को आप देखो नीचे की तरफ अगर जाएगा तो पोजीशन वेक्टर छोटा हो जाएगा और वो क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, तो क्लॉकवाइज टर्न करने का मतलब क्या हुआ, इनवर्ट्स आएगा। अब ओमेगा एल साइन थीटा के लिए सोचो, सो प्लस एम इंटू ओमेगा एल साइन थीटा, ये हो गया वी, एंड इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज अगेन एल साइन थीटा, दिख रहा है आपको, है ना। इसका भी डायरेक्शन अगर देखोगे तो इनवर्ट्स ही है, दिख रही है आपको, यस सर, ठीक है, ये भी इनवर्ट्स हो गया, तो ये आर क्रॉस पी वाला काम तो खत्म हो गया है। अब दूसरा क्या बच रहा है, आईसीएम इनटू ओमेगा, तो आईसीएम इनटू ओमेगा जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम इनटू एल स्क्वायर बाय 12, एल कितना दिया हुआ है 12, तो एल स्क्वायर बाय 12 एंड इनटू ओमेगा, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, तो इसको डॉट कर देंगे, समझ आया हाँ सर, ठीक है ना। अब यहाँ से तो अब आराम से निकल जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा इनटू l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड m ओमेगा l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो m ओमेगा l स्क्वायर ही बच रहा है इनवर्स, एंड प्लस m l स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा, दिस इज आउटवर्ड्स, ऑब्वियसली इनवर्स वाला बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 थर्ड, मतलब सॉरी 1 माइनस 1 थर्ड मतलब 2 थर्ड, सो 2 थर्ड ऑफ m ओमेगा l स्क्वायर एंड दिस विल बी इनवर्स। देखो आपको कोई कंफ्यूजन है कहीं पे तो समझे, पूछो। देखो क्लियर है या नहीं, पी वाला पार्ट एक बार और बताएंगे, ये दोनों पार्ट जो है कौन पूछ रहा है, एक बार नाम बताएंगे। सर मैं सौरदीप पूछ रहा हूँ। सौरदीप पूछ रहे हो, आपको याद है एक पार्टिकल अगर ट्रांसलेशन में होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, याद है आपको? हाँ सर, बताइए कैसे निकालते हैं, बस एक बार मुझे याद दिलाइए, सर याद दिलाइए। सर एंगुलर लीनियर मोमेंटम के साथ 90 डिग्री में जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हमको निकालना पड़ता है। दैट्स इट, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, तो वही तो मैंने किया है, वेलोसिटी के देखो दो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, एक ओमेगा एल कॉस थीटा, एक ओमेगा एल साइन थीटा, और इसके साथ जो पोजीशन का पोजीशन वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई किया। देखो देखो एक बार चेक करो। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। ओके हाँ। ओके, तो जो तुम जो बोल रहे हो वही तो अप्लाई किया मैंने। हाँ ठीक है ना। हाँ सर, और वैसे भी इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखो डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि आपके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो सकता है यू नो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होते, बट इस केस में देखो तो ये पोजीशन वेक्टर के साथ क्या ऑलरेडी परपेंडिकुलर था क्या, देखो एक बार नोटिस करो तो जो आर है और वी सी एम है क्या वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है क्या,
देखो तो। हाँ सर थे। तो इस केस में क्या डायरेक्टली हम लोग m इंटू ओमेगा l इंटू l कर सकते थे क्या? हाँ सर कर सकते। देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, m ओमेगा l इंटू l मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ सर ठीक है, तो इसलिए वो कोई गड़बड़ नहीं है। बट मैंने इस तरह से इसलिए करके दिखाया आपको क्योंकि इससे आप मतलब इंडिविजुअली x कंपोनेंट y कंपोनेंट में ब्रेक करके भी कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम वो भी आपने सीखा है। ठीक है हाँ सर क्लियर है। सर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन ओ से कर रहे हैं ना, क्वेश्चन दिया था ना उसने कि ओ के रिस्पेक्ट में निकालना था ना। हाँ 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 उसने तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, ये क्वेश्चन का डेटा था बेटा, मैंने नहीं दिया था क्वेश्चन में। एंड रॉड जो है वो थीटा एंगल मेंटेन करके चल रहा है, यूनिफॉर्म रॉड उसने कह रखा है, यूनिफॉर्म रॉड हैज m कॉमा l मास और लेंथ दी हुई है, द रॉड इज रोटेटिंग रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी omega about vertical axis, vertical axis. अब उसने ये पूछ रखा है पहले तो आपका पहला ये पूछा है find magnitude of angular momentum, magnitude of angular momentum of rod. पहला ये निकालना है आपको और दूसरा जो आपको निकालना है दूसरी जो आपको फाइंड आउट करनी है दैट इज टॉर्क ऑन द रॉड, ये निकालना है कितना आएगा, और तीसरा एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कितना थीटा होना चाहिए ये निकालना है। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको करके देखें एक बार, ये तो प्योर रोटेशन का ही केस है ना। हाँ सर प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन का केस है। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे सोचो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक आर्बिट्री डिस्टेंस एक्स पे अगर जाते हैं, एक आर्बिट्री डिस्टेंस एक्स पे गए और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास चूज किया डीएक्स लेंथ का, ठीक है ये डीएक्स लेंथ का एक एलिमेंटल मास है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो x sin थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, होगी नहीं होगी? हाँ सर क्योंकि रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो x sin थीटा है ना, दिख रही है आपको? यस सर। तो इस केस में वेलोसिटी बीइंग अंदर की तरफ, जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है, देखो मतलब ये ऐसा है, देखो इधर से अलग से दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये है आपका x, ठीक है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब इसको ओ मान लेते हैं, तो ये ओ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है, तो इसको इनवर्ट्स मार्क कर रहे हैं वी की तरफ, एंड दैट विल बी ओमेगा इनटू एक्स साइन थीटा। आपको समझ आ रही है ना? ठीक है यस सर। अब आर क्रॉस पी का डायरेक्शन चेक करो, क्या इस तरफ आ रहा है क्या, देखो तो क्या ये DL का डायरेक्शन है, DL मतलब वो DM मास का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या यही डायरेक्शन है, देखो तो। हाँ सर हाँ दिख रही है आप सभी को, तो DL का मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी DM into V which is omega into x sin theta and this multiplied with x, यही होगा ना, MVR क्या है, देखो दिख रहा है सभी को? Yes, sir. अब DM कितनी है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो M by L किया और DX से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा इनटू साइन थीटा तो बाहर रह जाएगा एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स आ जाएगा, समझ आएगा आपको? अब अगर आपको नेट एंगुलर मोमेंटम चाहिए एल चाहिए तो क्या करना है, एम बाय एल इनटू ओमेगा साइन थीटा
एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स कर लेना है। दिख रही है आपको? और ये इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल तक, तो एल क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, तो हो गया एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई थ्री आ गया। देखिए आपको, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका है आपको, क्लियर है? ये एल का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो सारा डीएल का डायरेक्शन तो एक ही तरफ है ना, है ही नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तो सारा डीएल का डायरेक्शन जो है वो आपका एक ही तरफ है, तो इस केस में जब हम नेट एंगुलर मोमेंटम अगर लिखते हैं इसका, नेट एंगुलर मोमेंटम, तो वो नेट एंगुलर मोमेंटम आपको कैसा दिखना है, वो अगर आप देखोगे तो ये जैसे एक्सिस मार्क कर रहे हैं, ये इसका एक्सिस है, और सिंस ये वाली एंगल देखो, इधर से ये एंगल हमने थीटा मार्क किया था, ये एंगल भी थीटा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो एल का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, ये है एल का डायरेक्शन, एंड ये वर्टिकल वाले लाइन से 90 माइनस थीटा एंगल पे है या नहीं है? है या नहीं है? सर। अब जैसे जैसे रॉड अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता जाएगा, तो ये एल का जो टिप है, टिप ऑफ एल, वो भी आपका क्या होगा, एक सर्कल में चक्कर काटता रहेगा, ऐसा कुछ? हाँ सर, ऐसे कुछ होगा ना, होगा नहीं होगा? रॉड अपना जैसे जैसे पोजीशन चेंज करता जाएगा, वैसे वैसे ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो एल के जो दो कंपोनेंट हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाया था एक बार, एल के जो दो कंपोनेंट, जो ये एंगल थीटा, तो दिस इज एल कॉस थीटा एंड दिस इज एल साइन थीटा। अगर आप देखोगे तो एल साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, दिख रही है आपको? दिख रही है? जबकि जो एल कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट है उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, ये जो है दिस चेंजेस इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका भी फिक्स्ड है बट डायरेक्शन तो इसका चेंज हो रहा है ना, है या नहीं है? Yes, अगर आप इसी को टॉप व्यू में देखोगे तब आपको बेटर समझ आएगा। इसी का टॉप व्यू देखो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में देखोगे तो आप एकदम बिल्कुल एक सर्कल बनाओ एल कॉस थीटा रेडियस का, दिस इज एल कॉस थीटा, ये मान लो टी इक्वल टू जीरो पे है, ठीक है, इन अ टाइम डी टी, डी टी टाइम पे ये टर्न कर जाएगा ऐसे, रेडियस एल कॉस थीटा रहेगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर। तो इस केस में देखो ये जो जो टेंजेंट के अलोंग दिखा रहे हैं, क्या यही देखो तो डीएल वेक्टर है क्या, है या नहीं है? ये देखो ये एल था, दिस वाज इनिशियली एल वन था, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और ये देखो ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, तो एल टू माइनस एल वन ही तो डीएल है ना, है नहीं है? एल टू वेक्टर माइनस एल वन वेक्टर दैट इज डीएल वेक्टर, एंड देयरफॉर अगर आप एल वेक्टर एल टू वेक्टर लिखोगे तो एल टू वेक्टर विल बी एल वन वेक्टर प्लस डीएल वेक्टर, एकदम बिल्कुल वेक्टर एडिशन की तरह, तो देखो हेड टू टेल जुड़ा हुआ है वहां पे। आई होप यू आर गेटिंग दिस, आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है ना? Yes. और ये एंगल जितना घूम गया इन अ टाइम dt, ये क्या ओमेगा इनटू dt होगा, क्योंकि ओमेगा तो आपको दिया हुआ है ना असेंबली का पूरा, असेंबली क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टर्न कर रहा है। Yes. तो इस केस में क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि dl की जो वैल्यू आई है, dl की वैल्यू दैट विल बी l cos थीटा इनटू ओमेगा dt, ऐसा ले सकते हैं, r थीटा है ना, आर्क लेंथ जब लिखते हैं तो r into theta लिखते हैं ना? अच्छा, वही लिखा है देखो मैंने, l cos theta is the radius and angle is omega into dt, exactly वो आ गया। तो अगर आप notice करोगे तो dl by dt अगर निकालोगे आप, dl by dt, तो क्या मिल रहा है आपको बताओ, this is l cos theta into omega, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? आ रही है सर। हाँ, क्या यही टॉर्क है क्या? ठीक है, यही टॉर्क, राइट, यही टॉर्क हो जाएगी। एल एल तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, देखो यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन थीटा ऑलरेडी, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा साइन थीटा, तो एम इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाई थ्री साइन थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस थीटा भी आ गया, इंटू ओमेगा भी आ गया, तो ये हो गया एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टू थीटा एंड डिवाइड बाई सिक्स। इसको ऐसे भी, आई होप यू गेटिंग दिस, Yes, समझ आ गया आपको, समझ आ रही है?
ठीक है। अच्छा एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, अगर आप कोई चीज को जैसे इस रॉड को अगर हम इमेजिन करो कि थीटा एंगल पे ले जाके जस्ट छोड़ देते तो ये वापस से नीचे गिर जाता है, नहीं गिर जाता है, नहीं गिर जाता, बट जब हम इसको घुमा के फेंक रहे हैं तब नहीं गिर रहा है ना, ये आप नोटिस कर रहे हो, जब हम इसको घुमा के फेर रहे फेंक रहे तब तो नहीं गिर रहा है ये, right. है ना। और उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिल है आप समझ रहे हो, देखो एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये सब चीजें ना विजुअलाइज करने की ज्यादा है, आपको विजुअलाइज करने का अपना एबिलिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, जैसे मैं अगर इसको एक एक रॉड की तरह देख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ रॉड, और मैं अगर इसको घुमाऊ नहीं तो आपको पता है एम जी यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो एम जी का देखो एक नॉन जीरो टॉर्क आ रहा है तो इसको नीचे गिरा देगा ना, दिख रही है आपको, एम जी यहाँ से एक्ट करेगा तो एम जी का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ से दिख ही रहा है आपको, तो इस केस में क्या करें, इसको नीचे गिरा देगा, तो देखो इसका टॉर्क किस तरफ आ रहा है, क्लॉक वाइज आ रहा है ना, मैं अगर अपनी तरफ से देख रहा हूँ तो क्लॉक वाइज दिख रहा है, दिख रहा है आपको, मेरी तरफ से क्लॉक वाइज दिख रहा है, ठीक है, तो मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे एक टॉर्क दिख रही है, तो ये टॉर्क की वजह से क्या करेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में होना चाहिए, टॉर्क के डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट, टॉर्क के डायरेक्शन, तो इनिशियली टॉर्क, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जीरो था जब इसको मैंने जस्ट छोड़ रहा था, मतलब कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया था, जब इसको छोड़ रहे थे तब उसके इसमें क्या हो रहा था, इसका एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, तो टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो इस केस में ये इधर ही घूमेगा ना, समझ आ रही है, बट अब सोच के देखो, जब मैंने बोला कि मैंने इसको क्या किया, एक ऐसा एक एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ा है, ठीक है, ऐसे एक देके छोड़ा है, तब भी ये टॉर्क तो आ ही रहा है, एमजी वाला टॉर्क तो आ ही रहा है ना, तब भी आ रहा है ना, सबको समझ आ रही है, एमजी वाली टॉर्क तब भी आ रही है, समझ आ रही है, बट ये अब क्यों नहीं गिर रहा है, अब इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि देखो एंगुलर मोमेंटम का चेंज जब आप इनिशियल में ऐड करोगे तब वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मिलना चाहिए ना? अब ये सोच के देखो कि अब आप देखो एल का जो दो कॉम्पोनेंट आपको दिख ही रहा था कि एल ऐसे हमने दिखाया था, तो इसके दो कॉम्पोनेंट थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट था इसमें जब आप चेंज लेते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आपने टॉर्क दिखाया तो आपने बोला कि अंदर की तरफ एक चेंज आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, यही बोला आपने, बोला ना, हाँ सर, देखो mg का जो टॉर्क था, mg के टॉर्क की वजह से ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये भी हॉरिजॉन्टल रॉड जो दिखा रहा हूँ, ये l cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये रॉड नहीं है, रॉड आपका ऐसा ही है, रॉड ऐसे घूम रहा था, उस पे मैं बोल रहा हूँ कि उसका दो कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो मैंने बोला कि जब ये टॉर्क आपने क्लॉकवाइज दिखाया mg की वजह से, तो उसका जो चेंज जो होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का वो इस तरफ होना चाहिए, राइट, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इनवर्ड्स, राइट, यस सर, और ये सोचो ये है इनिशियल मोमेंटम, और इसमें जब ये फाइनल मोमेंटम ऐड होगा, सॉरी इनिशियल मोमेंटम में जब ये चेंज ऑफ मोमेंटम ऐड होगा, तो क्या ये इधर टर्न नहीं कर जाएगा? हाँ सर करेगा। तो अब देखो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी भी डीएल जो है वो इनवर्ड्स ही है, क्लॉकवाइज ही है, बट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो नॉन जीरो था उसके होने की वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा है, आपको समझ आ रही है? क्या बोले सर, अभी और एक बार रिपीट कीजिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था, सोचो कि जब हम यू नो चेंज की जो बात कर रहे हैं वो अभी भी क्लॉकवाइज है, बट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो था, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो में जब डीएल का आपने चेंज लिया, ये जो डीएल का चेंज आपने इसमें ऐड किया, तो आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो ऐसे टिल्ट कर गया ना? हाँ सर, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, वैसा ही ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही टर्न कर गया, एंगुलर मोमेंटम जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न कर गया, बट जब आप सोचो कि इनिशियली जब जीरो था, तो जीरो से जब आप बोल रहे हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क मिल रहा है, तो जीरो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क मिलने के लिए इसका जो चेंज होगा वो तो आपका इनवर्ड्स होने के लिए इसको इधर ही तो गिरना पड़ेगा ना, समझ आ रही है आपको? पहले तो कोई एंगुलर मोमेंटम था नहीं और रॉड आपका ऐसे इंक्लाइन था, तो इस केस में टॉर्क की वजह से जब आप बोल रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो फिर जीरो प्लस इनवर्ड्स तो इनवर्ड्स ही तो हुआ ना, इनवर्ड्स होने का मतलब क्या, नीचे ही तो गिर रहा है, यस सर, समझ आ रही है? बट पहले ये जीरो था नहीं, पहले ये एल कॉस थीटा का था, और एल कॉस थीटा में जब आपने डीएल का चेंज ऐड किया, तो ये नया एल कॉस थीटा जो आया वो ये ऐसे रिटर्न हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस वजह से ये गिरता नहीं है,
आपको समझ आ रही है? हाँ हाँ सर समझ आ रही। ठीक है, तो ये इसीलिए कहते हैं कि नो कि एक मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, एक रॉड को जैसे एकदम एग्जैक्टली सेम चीज प्रिंसिपल से बताए। आपने कभी नोटिस किया बाइसाइकिल जब खड़ा रहता है, बाइसाइकिल जब खड़ा रहता है तब वो इजीली गिर जाता है। मतलब आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, कितना भी आप ऐसे 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 करो भी थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है। बट अगर बाइसाइकिल चलता है तब वो आसानी से गिरता नहीं है, ये नोटिस किया है? हाँ सर। मतलब एक बाइसाइकिल जो चल रहा है तो उसमें सोचो उसके चक्के के जो चक्के हैं, जो चक्के चल रहे हैं ऐसे ऐसे जो चक्के चल रहे हैं उसका एक मतलब ऐसे अगर घूम के चल रहा है तो उसका इस डायरेक्शन में एक एंगुलर मोमेंटम है ना, ऐसा नहीं? हाँ। और ये सोच के देखो कि अगर वो गिरेगा किसी एक डायरेक्शन में, मतलब आप उसको अगर थोड़ा सा यू नो गिरते गिरता हुआ दिखाने की कोशिश करते हो सोचो, तो ये जो एंगुलर मोमेंट मतलब जैसे सोचो कि अगर साइकिल थोड़ा सा टर्न भी कर गया, थोड़ा सा टर्न कर गया अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे टर्न किया, तो ग्रेविटी का टॉर्क जो होगा वो इस तरफ आएगा, मतलब यू नो जस्ट जस्ट इस तरफ टर्न करने की कोशिश कर रहा है इसको, राइट? यस सर। तो इस केस में सोचो ये जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से जब आप चेंज ऐड करोगे तब वो उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। आपको समझ आ रही है? यस सर। तो इस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में जैसे आपने इसको ऐसे ही सोच के देखो, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे चल रही है तो ये इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है, एंड आपने थोड़ा सा साइकिल को अगर बाइसाइकिल को थोड़ा टर्न किया, जैसे इधर ही मान लेते टर्न कर दिया, तो ऐसे यही वाला ये वाला सिचुएशन सोचो, इधर से ऐसे टर्न कर दिया तो इधर टर्न किया तो फिर इसमें ग्रेविटी का टॉर्क किस तरफ आ रही है? आ रही है ना? हाँ सर। आ रही है। तो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरफ आनी चाहिए? इस तरफ आनी चाहिए, सामने की तरफ। हाँ सर। तो इस केस में सोचो ऑलरेडी एक एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में था और इसमें एक डीएल आपने ऐड किया, डीएल ऐड किया तो ये इधर से इधर थोड़ा टर्न कर जाएगा ना, समझ आ रही है? हाँ सर टर्न कर जाएगा। तो इस केस में क्या वो गिरेगा? ऐसे सोच के देखो, ये तो बस इधर ही हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया ना, तो बेसिकली क्या होगा, हैंडल थोड़ा सा टर्न कर जाएगा, और वो तो होता भी है जब आप इधर की तरफ थोड़ा सा टर्न करते हो तो फिर आपका हैंड बाइसाइकिल का हैंडल थोड़ा सा इधर घूम जाता है, नहीं घूम जाता है? हाँ सर घूम जाता है। एग्जैक्टली वही चीज तो हो रहा है, तो वो गिरता नहीं है, वो हैंडल बाइसाइकिल का हैंडल ही बस गया होता है, घूम जाता है, और वो इसी वजह से क्योंकि उसको एक टॉर्क वैसा मिल रहा है कि चेंज डीएल जो है वो आपका यू नो रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है आपका, मतलब जिस डायरेक्शन आप चल रहे हो, समझ आ रही है? तो किसी ने आपसे अगर पूछा कि एक एक बाइसाइकिल को यू नो खड़े होकर बैलेंस करना डिफिकल्ट है बट चलते हुए बैलेंस करना उसको आसान है, क्यों? क्योंकि चलते हुए बैलेंस करने से क्या होता है, उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम आ जाता है और वो एंगुलर मोमेंटम सडनली जीरो करने के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्क चाहिए और वो ग्रेविटी उसको दे नहीं सकता है। आपको समझ आई? हाँ सर। ठीक है, ओके ठीक है, चलो। तो ये तो आपको टॉर्क भी मिल गया है। अब ये टॉर्क निकालने के बाद, अच्छा एक और चीज देखो, एक बार इसमें देखो, एक और आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, एक अच्छी चीज देखो। इसमें तो एंगुलर मोमेंटम मैंने इंटीग्रेट करके निकाला, एक बार बिना इंटीग्रेट किए करके निकालते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम लाइक एनी वेक्टर, सॉरी ओमेगा लाइक एनी वेक्टर क्वांटिटी, आप उसका भी कॉम्पोनेंट ब्रेक कर सकते हो। तो ओमेगा का अगर हम कॉम्पोनेंट ब्रेक करते, देखो इस डायरेक्शन में आपको पता है ओमेगा था, तो ये डायरेक्शन में अगर लेते ये एंगल थीटा था तो ये ओमेगा कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेते तो ये ओमेगा साइन थीटा, होता है ना ऐसा? होता? अच्छा होता। आप देखो अगर ओमेगा कॉस थीटा की वजह से अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते तो जीरो आता है नहीं, क्योंकि एक रॉड को बेसिकली आप उसका खुद के एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, मतलब एक रॉड के थ्रू मतलब रॉड के लेंथ के अलोंग आपने क्या क्या एक्सिस ले लिया और उसके अबाउट ऐसे घुमा रहे हो, क्या उसका एंगुलर मोमेंटम आता कुछ भी? क्योंकि वेलोसिटी तो नहीं होता। ठीक है, तो ओमेगा कॉस थीटा की वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ओमेगा कॉस थीटा इज नॉट रिस्पांसिबल, तो इसकी वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आ सकता क्योंकि इसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, अब ओमेगा साइन थीटा की वजह से तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। देखो इस ओमेगा साइन थीटा की वजह से अब आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसे ये पूरा का पूरा असेंबली जो है घूम रहा है, सोच सकते हैं ऐसा? हाँ सर सोच सकते हैं। और इसकी वजह से जो एल का डायरेक्शन आएगा क्या इसी तरफ आएगा क्या? देखो तो एल का डायरेक्शन क्या इसी तरफ आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में लिख लोगे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इनटू ओमेगा साइन थीटा, ऐसा लिख सकते थे क्या? हां सर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 3, है ना? है ना? यस सर। हां
एंड इनटू ओमेगा साइन थीटा कर दिया। देखो तो मैच कर रहा है क्या, देखो मैच कर रहा है। तो देखो इसमें मैंने पहले मैंने आपको आर क्रॉस पी करके इंटीग्रेट करके निकाल के दिखाया, और दूसरे में डायरेक्टली ओमेगा का वेक्टर प्रॉपर्टी यूज करके भी आपको दिखा दिया है। समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अब एंगल थीटा इक्विलिब्रियम पे पूछा है, तो एंगल थीटा इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता चल चुका है। क्या है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता चल चुका है ना, वो टॉर्क है, और ये टॉर्क उसको कौन दे रहा था, ग्रेविटी दे रहा था ना। हाँ सर। तो इस केस में अब आप क्या करोगे, दिस इज टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो आपका डीएल बाई डी टी है, और इसकी वैल्यू को इक्वेट कर दो, तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका, एल बाई टू साइन थीटा होगा ना। ये देखो सेंटर ऑफ मास से एम जी एड कर रही है, और ये डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू साइन थीटा ना। तो बस इक्वेट कर देंगे, तो mg into l by 2 sin theta and this should be equal to m omega square l square by 3 sin theta cos theta। ये sin theta इधर से कट गया, यहाँ से एक l भी कट जाएगा, यहाँ से m भी कट जाएगा, और ये आ रहा है आपके पास 3 omega square ना 3 omega square की वैल्यू, इट आज चित 3g divided by 2 omega square L and eta cos inverse eta over theta, हो गया ना। देखो तो आ रहा है ना। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब JEE mains के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब जो मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए है। जेई एडवांस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो काम का है, या फिर केवीपीवाई के लिए, अदरवाइज ये सब कोई काम का नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो जो भी सिर्फ जेई मेंस पे फोकस करना चाहते हैं वो आराम से यू नो इन सब चीजों को स्किप कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ आपको बता दें, इमेजिन करो ये मान लो एक फिक्स सरफेस है, इस ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल उसने दे रखा है, दिस इज अ हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल, और ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसकी रेडियस दी हुई है, दे विल नॉट बी रेडियस, दिस रेडियस इज आर, एंड इसके टॉप सरफेस पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रोल करा रहे, प्योर रोलिंग। दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर दे रखा है, अंडरगोइंग प्योर रोलिंग मोशन, अंडरगोइंग प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, अब उसने आपसे ये पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का आपको एक्सेलरेशन पूछा गया कितना होगा। अब कैसे करेंगे वो देखो, आपको याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब सरफेस फिक्स सरफेस पे कोई चीज रोल करता है, फिक्स सरफेस पे कोई रोल करता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, याद है आपको। अगर ऐसा सरफेस पे रोल करता तो याद है आपको, इस तरफ ये एक्सेलरेशन होती है उसकी ओमेगा स्क्वायर आर, याद है आपको। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, बोलते हैं ना राइट right? क्योंकि सेंटर में बैठ के देखोगे तो पूरा का पूरा फ्रेम तो आपको मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूमता हुआ ही दिखता है, तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है। बट सेंटर खुद अगर एक्सेलरेटेड है तो उसमें सेंटर का एक्सेलरेशन भी तो वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा ना। तो अब ये सोच के देखो, इसमें जो सेंटर है क्या सेंटर एक्सेलरेटेड है या नहीं, ये सोच के देखो, सेंटर का लोकस क्या है, सर्कुलर पाथ है। हाँ सर,
अगर देखोगे आप ध्यान से तो आपको दिख जाएगा, जो सेंटर का जो लोकस है वो देखो एक सर्कुलर पाथ है ये नहीं है, दिस इज लोकस ऑफ सेंटर इज सर्कुलर, और अगर सर्कुलर पाथ है तो इस केस में एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो उसके पास भी होगा ना, होगा तो उसका रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन देखो तो क्या है, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन है वो कितना है, कैपिटल प्लस स्मॉल राइट, इसका मतलब है सेंटर का एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ये कितना होगा, दिस विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, हाँ सर ठीक है। तो इस केस में देखो अगर मैं इसको मान लेते हैं ये ऊपर का डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस चूज कर लेता हूँ ठीक है, तो अब क्या लिखोगे आप, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं पी मान लेता हूँ ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पी मान रहे हैं, तो अगर मैं लिखूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, तो क्या लिखोगे आप, वी स्क्वायर बाई आर प्लस आर एंड दिस इज अलॉन्ग माइनस जे कैप, ये लिखोगे आप, लिखोगे राइट हाँ सर, और एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप वहां पे, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर एंड दैट विल बी अलोंग प्लस जे कैप राइट, हां सर, और ओमेगा स्क्वायर आर लिखने का मतलब है वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर, यही तो है ना, है ना, क्योंकि वी इज ओमेगा। अब ये सोच के देखो एक्सेलरेशन ऑफ पी अगर पूछा तो क्या आप ये नहीं लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी वेक्टोरियल एडिशन राइट, तो क्या हो गया वी स्क्वायर बाई आर प्लस आर विद अ नेगेटिव साइन एंड प्लस, अच्छा ये तो आपका उल्टा है, दिस विल बी वी स्क्वायर बाई आर एंड माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई आर प्लस आर एंड दिस विल बी अलोंग जे कैप एंड देयरफॉर दिस बिकम्स वी स्क्वायर इनटू आर डिवाइडेड बाई आर इनटू आर प्लस आर एंड दिस विल बी अलोंग जे कैप, क्या आपको बात समझ आई, क्लियर है सभी को, हाँ सर ठीक है yes. अगर इस जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है उसका एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछते हैं, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो तो सबके अबाउट आप एक ही बताते, कितना बताते, वी बाय स्मॉल आर बताते या नहीं, हाँ सर राइट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर अगर पूछते तो किसी भी पॉइंट से पूछते वो एक ही बताते हैं, क्योंकि रिजिड ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है सेम होता है, बट अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर अगर पूछते तो वो अब v by r नहीं आता, v by small r नहीं आता, ये रियलाइज कर रहे हो आप, जैसे ये सोच के देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये किस रेट से टर्न कर रही है, ये ओमेगा डैश अगर लिखे तो ये तो v by r plus r होता ना, हाँ सर v समझ आ रही है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू v by small r, समझ आ रही है आपको, हाँ सर ठीक है, तो ओमेगा डैश जो है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो तो कुछ भी हो सकता है, बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर अगर पूछते हैं, स्फीयर का एंगुलर वेलोसिटी तो किसी भी पॉइंट के अबाउट पूछते तो वो सेम ही बताते हैं, समझ आ रही है आपको, हाँ सर, ये जो ओमेगा मार्क कर रखा है, ये ओमेगा जो मार्क कर रखा है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन, इसको एक काम करते हैं इसको C डैश लिख लेते हैं, लाइन C डैश C है, समझ आ रही है ना, C डैश फिक्स्ड है तो C मूव करने की वजह से C डैश C मूव कर रहा है ठीक है, ओके yes, okay. एक और जेई का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आईटीजी में अक्सर गलत क्वेश्चन भी हर साल ऑलमोस्ट एक पेपर में तो एक गलत तो क्वेश्चन रहता है, हर साल रहता है, ये मैं आपको एक गलत क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखाने का जरूरत है क्योंकि जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ों पे फंसोगे तो फिर परेशान होंगे, तो ये कंसेप्चुअल मिस्टेक्स क्या है वो आपको जानना भी है। सर ये जो गलत क्वेश्चन आप दिखा रहे हैं ये क्या मतलब आंसर सही निकल के आंसर लिखना पड़ेगा,
अगर एग्जाम में गलत आया तो? नहीं, इसमें इसमें सबको मार्क्स दे दिया था उसने, एक क्वेश्चन के लिए सबको मार्क्स दे दिया था, ठीक इसमें था सबको मार्क्स दिया था। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये इसमें क्या कमेंट था, ये एक्चुअली आईटीजे के वेबसाइट से मैंने लिया है। एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कमेंट था। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इंटरनल रिव्यू, देखो इसमें ड्यू टू इंटरनल रिव्यू ऑल कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड +3 marks फॉर क्वेश्चन 17, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ठीक है, ये वेबसाइट से ही लिया हुआ है, आईटीजे का वेबसाइट से ही लिया हुआ है। इसीलिए आपको जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो ना आईटीजे का, मतलब पास्ट ईयर्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, तो हमेशा जेई के वेबसाइट से लिया करो, क्योंकि उसमें एक्चुअल जो कौन सा सही था कौन सा गलत था, उन्होंने किसको रिव्यू किया किसको रिव्यू नहीं किया, वो पता चलता है। अदरवाइज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से अगर लोगे तो सब अपना अपना सोल्यूशन देते हैं, सब अपना अपना सोल्यूशन देते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो देते हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ था वो भी आपको समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज, वन ट्वर्ल्स अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर नियर द टिप ऑफ वन्स फिंगर एज शोन इन द फिगर। इन द प्रोसेस द फिंगर नेवर लूजेस कॉन्टैक्ट विद द इनर रिम ऑफ द रिंग। द फिंगर ट्रेसेस आउट द सर्फेस ऑफ अ कोन denoted by the dotted line. The radius of the path traced out by the point where the ring and the finger is in contact is r. The finger rotates with an angular speed omega naught. The rotating ring rolls without slipping on the outside of the smaller circle described by the point where the ring and the finger is in contact. Figure 2 ko dekhna hai iske liye. The coefficient of fingers friction between the ring and the finger is mu. The acceleration due to gravity is g. Okay. अब उसने पूछा है कि total kinetic energy of the ring कितनी होगी, यही निकालनी है। ठीक है, ये kinetic energy of ring निकालने का question है। इसमें क्या करेंगे अब? ये देखो, आपको diagram तो clear हो गया ना? हाँ sir। अब clear है? I hope आपको diagram clear है सभी को। सबको हाँ बोल दो, सिर्फ फॉर्गो का आवाज आ रहा है मतलब। yes, ठीक है, तो देखो ये जो डॉटेड लाइन देखो यहाँ पे चेक करो, ये जो स्मॉल आर रेडियस का सर्कल दिखा रखा है, दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फिंगर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फिंगर है ये, मतलब फिंगर का जो पॉइंट है जो कॉन्टैक्ट में रिंग के साथ, वो जो सर्कल में घूम रहा है वो दिखा रखा है। ठीक है, और ये तो ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा रिंग ही है। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कि इसका ये पूरे ये जो डायग्राम सेकंड वाला डायग्राम जो फिगर 2 है, उसमें कौन सा पॉइंट है जो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है? क्या सर्कल का मतलब जो रिंग है, क्या उसका सेंटर रेस्ट पे है? बताओ सर, मतलब बड़े वाला जो रिंग को घुमा रहा है उसका सेंटर? हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं है सर रेस्ट में? ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप फिंगर से ट्वर्ल कर रहे हैं तो आप उसको घुमा ही तो रहे हैं ना, है ना? बट ये जो रिंग मैंने छोटा सा एक सर्कल बना रखा है, देखो जो छोटा छोटा सर्कल है डायग्राम जिसको स्मॉलर रेडियस का दिखा रखा है, उसका सेंटर फिक्स है या नहीं है? हाँ सर, ठीक है, तो ये वाली जो सेंटर हम दिखा रहे हैं, ये वाली सेंटर, दिस इज फिक्स्ड, फिक्स मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में सोच के देखो, आप इस केस में सोच के देखो, अगर मैं यहां से इसकी एंगुलर वेलोसिटी को अगर ओमेगा नॉट मार्क कर लेता हूँ, ये ओमेगा नॉट तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा? ओमेगा नॉट इंटू स्मॉल आर आएगा, नहीं आएगा? नहीं। हाँ सर आएगा। और अगर रिंग के सेंटर का वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा? ओमेगा नॉट इनटू कैपलर माइनस स्मॉलर आएगा, नहीं? हाँ सर। तो रिंग का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है या प्योर रोटेशन है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, मतलब ट्रांसलेशन भी हो रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड रोटेशन भी हो रही है, और इसका ये जो सेंटर जो हमने दिखा रखा जो फिक्स्ड जिसको मार्क किया है, क्या यही इसका आईसीआर है या नहीं है? है नहीं है, क्योंकि वो फिक्स हो गया, इसका मतलब उसके अबाउट ही पूरा का पूरा असेंबली घूम रहा है। हाँ सर, राइट, समझ आ रही है? तो अब आप दो चीज कर सकते थे, या तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का फॉर्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी का टोटल लिखनी है मुझे,
If I'm supposed to write the total kinetic energy, तो एक तो आप kinetic energy translation वाले part का लिख लो and plus दूसरा rotation वाले part का लिख लो. आप ये वाले लिख लो अगर ICR में comfortable नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो half of m into VCM का square. VCM मतलब कितना हो गया? Omega naught into r minus r. इसका square कर लेंगे and plus rotational kinetic energy के लिए क्या लिखते हैं आप? Half of ICM into omega square. ICM मतलब कितना हो गया? m into r square and into omega naught square. लिख सकते हैं ना इसको ऐसा? लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते. ठीक है, अब इससे अगर देखोगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ सर. एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा. और एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो जब आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप अटेम्प्ट करते हो ना तो आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो टिक करके आना ही है. अगर आपको जब आपको चार ऑप्शन दिख रहा है और आपको पता चल रहा है कि आपने टेक्निकली कोई मिस्टेक नहीं किया, क्योंकि मैं श्योर हूं इसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक मैंने नहीं किया है, तो अगर टेक्निकल मिस्टेक आपने नहीं किया है तो इस केस में अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये सोचना चाहिए कि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया होगा उसने क्या सोच के फ्रेम किया होगा. तो एक चीज सोच के देखो कि अगर अगर हम ऐसा करें, जैसे फिंगर, अपने खुद ही सोच के देखो, अगर आप अपने फिंगर टिप में किसी चेन को घुमाते हो या रिंग को घुमाते हो तो आपका फिंगर टिप जिस रेडियस में घूमेगा क्या वो बड़ा रेडियस होगा या काफी छोटा रेडियस होगा? काफी छोटा सर काफी लगता छोटा है, तो हैंड स्टैटिक ही रहता. हाँ, तो मतलब क्योंकि एक एंड बॉटम वाला एंड तो आपको फिंगर का जो इंडेक्स फिंगर का जो बॉटम एंड है उसको फिक्स रखना है और उसके बाद फिर उसको घुमाना है, तो जिस रेडियस में आपका फिंगर का टिप जो घूम रहा होगा वो तो काफी छोटा रेडियस होगा, होगा ना? समझ आ रही है? तो इससे हम ये अज्यूम करें, अगर हम ये अज्यूम करें इफ इफ स्मॉल आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर, देन क्या हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू कैपिटल आर? लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते. Therefore, अब kinetic energy लिखे तो कितना आएगा? देखो तो kinetic energy क्या आएगा? m omega plus ये आएगा? आएगा? Yes sir. Half plus half one हो जाएगा, तो ये option a match कर जाएगा. तो समझ आई आपको? हाँ सर. ठीक है, अदरवाइज एक भी ऑप्शन नहीं मैच किया है. ठीक है, ये अगर r नहीं दिया है आपको तब वो मैच नहीं करेगा, मतलब आर और आर का कोई रिलेशन नहीं दिया तो वो मैच नहीं करेगा. सर यहाँ पे ट्रांसलेशन किधर हो रहा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. ये तो दिखाया ना बेटा, ये देखो जो आपका जो सेंटर ऑफ मतलब जो जो फिंगर टिप जिस सर्कल में घूम रहा है उसका जो सेंटर है वो तो फिक्स है ना. हाँ. तो वो सेंटर अगर फिक्स है तो उस सेंटर से रिंग का सेंटर को मार्क किया. हाँ. और रिंग का सेंटर भी तो उस फिंगर टिप का जो सेंटर था उसके अबाउट घूम रहा था ना. हाँ हाँ. तो वही तो है, तो ये सिचुएशन ऐसा दिखेगा कि जैसे आपका जो फिंगर जो रिंग का जो सेंटर है ना वो कुछ ऐसा घूमता हुआ दिखेगा. देखो रुको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ये देखो कुछ ऐसा दिख, समझ आ रही है आपको? हाँ सर ऐसा. हाँ. जो फिंगर टिप मतलब जो रिंग का सेंटर होगा ना वो ऐसा घूम रहा होगा. हाँ. ये ट्रांसलेशन ही तो हुआ ना. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया. अब दूसरे पार्ट पे आते हैं. दूसरे पार्ट पे उसने ये पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट फॉर बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन. अब इस पार्ट के लिए भी देखो, इसने जिसने क्वेश्चन का आंसर किया है ना, मतलब जो अगर 17 के लिए किसी ने ग्रेस मार्क्स दिया है तो उसको 18 के लिए भी ग्रेस मार्क्स देना चाहिए था, बट उसने 18 के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं दिया. मतलब नहीं दिया, उसके पीछे मुझे रीजन नहीं पता क्यों नहीं दिया. मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या मिस्टेक होगा. जैसे आपका फिंगर टिप जो है, सोच के देखो ये फिंगर टिप का एक बार मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ. ये सोचो आपका फिंगर टिप है, ठीक है, और हम अपना रिंग को बना रहे हैं. यहाँ पे एक बार रिंग बनाते हैं. थोड़ा सा चेंज कर दीजिए.
अभी आप ये चेक करो, फिंगर अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो सरफेस से थोड़ा इंक्लाइंड मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं? हाँ सर मिलेगा थोड़ा। ये सोचो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन वर्टिकल से मान लो एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो अगर ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है तो इस केस में इधर से नॉर्मल रिएक्शन भी जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन विल आल्सो बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, सिंस ये स्लिप नीचे करने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये फ्रिक्शन ऊपर, और सेंटर ऑफ मास से इसका एक वेट भी ऐड करेगा mg। ठीक है, इसमें अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो ये ऑलरेडी आपने देख लिया था जो सेंटर ऑफ मास था वो r माइनस r रेडियस के सर्कल में घूम रहा था, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन चाहिए वो ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू r माइनस r चाहिए, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका सेंटर की तरफ ये है ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू r माइनस r है। अब इस केस में एक्चुअल अप्रोच जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था आप सोच के देखो। अच्छा एक चीज गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट रुकिए, ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन मैंने गलत दिखा दिया। नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन तो मैंने जो दिखा रखा है ये फिंगर टिप पे है ना, है ना? ये फिंगर टिप पे नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया मैंने, जबकि हमें नॉर्मल रिएक्शन जो दिखाना है वो किस पे, रिंग पे ना, रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है? हाँ सर। ये नॉर्मल रिएक्शन का जस्ट डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन को उल्टा कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम रिंग पे दिखा रहे बेटा, ठीक है। तो अब अगर आप डायग्राम में के अकॉर्डिंग अगर अप्रोच करोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, एक है n cos थीटा प्लस f, f की वैल्यू में cos 90 माइनस थीटा मतलब f sin थीटा आ जाएगा, और उसने ऑलरेडी कह रखा है देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट बिलो विच द रिंग विल नॉट ड्रॉप, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। हाँ सर। है ना, क्योंकि फ्रिक्शन जस्ट होगा तभी तो कह रहे हैं ना, इससे आपको ये समझाना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगानी है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इसको, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड इनटू साइन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू आर माइनस आर, ये समझ आएगी आपको, ठीक है, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा आपका, वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि वर्टिकली तो नीचे गिर नहीं रहा है, इसका मतलब एम जी प्लस द नॉर्मल रिएक्शन का साइन थीटा कॉम्पोनेंट दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, समझ आइए आपको, समझ आइए। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से एन निकाल के आप इक्वेट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन से जो n आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी m ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू r माइनस r एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं होगा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय म्यू cos थीटा एंड प्लस, सॉरी माइनस, माइनस sin थीटा। देखो तो यही आ रहा है क्या, आ रहा है? हाँ सर यही आ रहा है। अगर मैं दोनों तरफ से अगर मैं cos थीटा को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा, देखो तो क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू r माइनस r एंड ये आ रहा है आपके पास म्यू माइनस tan थीटा इज इक्वल टू g into 1 plus mu tan theta, आ रही है ना? हाँ सर। और omega naught की वैल्यू उसने पूछी थी आपसे, तो omega naught की वैल्यू कितनी आ रही है, root under g into 1 plus mu tan theta divided by mu minus tan theta and into r minus r, समझ आई आपको, समझ आई? अब अगर आप देखोगे
तो चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, देखो दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है? थीटा आप तो बस है ही यहाँ नहीं। पे क्या करो ना, यहाँ पे बस एक चीज करो, थीटा का वैल्यू नेग्लिजिबल मान लो, थीटा का वैल्यू नेग्लिजिबल। थीटा का वैल्यू नेग्लिजिबल मानने का रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था ना रेडियस जो है वो बहुत छोटा होता है। अगर रेडियस बहुत छोटा होगा, मतलब जो स्मॉल आर था वो बहुत छोटा था, तो स्मॉल आर अगर बहुत छोटा होगा तो लॉजिकली सोच के देखो क्या एंगल बहुत छोटा नहीं होगा थीटा? आपका इंडेक्स फिंगर कितना एंगल पे टिल्ट हो सकता है सोच के देखो, वर्टिकल से क्या छोटा एंगल पे टिल्ट होगा ना, वो हाँ होगा नहीं सर होगा? और एंगल अगर छोटा होगा तो टैन थीटा का वैल्यू भी तो नेग्लिजिबल होगा, होगा? हाँ सर और टैन थीटा अगर नेग्लिजिबल हुआ तो रिलेशन क्या आएगा, देखो बस टैन थीटा को एलिमिनेट कर दो वहां से, तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, जी बाय म्यू टाइम्स ऑफ आर माइनस आर आ रहा है ना, हाँ सर और वो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? हाँ सर तो उन्होंने क्या किया था ना, इंडेक्स फिंगर को वर्टिकल मान के डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया था, इतना कुछ किया ही नहीं उन्होंने, क्या किया इंडेक्स फिंगर को वर्टिकल मान लिया और उसके बाद फिर सिंपली नॉर्मल रिएक्शन बोली, अगर इंडेक्स फिंगर सोचो वर्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होगा ना, हाँ सर तो नॉर्मल रिएक्शन को सीधे से लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर माइनस आर और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, मतलब एम जी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, बस दैट्स इट, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर निकाल दिया, समझ आया? ठीक हाँ सर है, हाँ बट सर वैसे नहीं, ऐसा अप्रोच नहीं करना चाहिए था, एक्चुअल अप्रोच ये होता आपका। सो इफ थीटा इज नेग्लेक्टेड, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस आर वेरी लेस देन कैपिटल, देन ओमेगा नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली रूट अंडर जी बाय म्यू टाइम्स ऑफ आर माइनस आर। ठीक है, अब सोचो आईआईटी जेई में भी क्वेश्चंस गलत आते हैं और ये हर साल आता है, हर साल एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं, सर ये हर इस साल साल। का ही था। नहीं, ये साल का नहीं है, 2017 का था, ये 2017 का था बेटा, हर साल मैं कह रहा हूँ, हर साल कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं पेपर में, आपको जुडिसियसली वहां पे बस डिसाइड करके आगे निकलना पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है उसको छोड़ने का फिर आगे बढ़ने का, टाइम वेस्ट नहीं करते रहने का। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ सर ठीक है। ठीक है, एक और आईटीजी का अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। ये भी 2017 का ही है, रोटेशन पे हर साल अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं, रोटेशन में हर साल ही अच्छे आते हैं, मतलब रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन का वैरायटीज बहुत सारा हो, बहुत सारा। ओके क्वेश्चन रीड करते हैं, अ रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन फिगर, एट फ्रिक्शनलेस फ्लोर ध्यान रखेंगे, ठीक है, डेटा हमेशा मार्क करोगे, क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर होने से इमीडिएटली आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, जीरो है ना, है या नहीं है? ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन से आपने जस्ट उसको टिल्ट करके छोड़ा है, हल्का सा टिल्ट करके छोड़ा है, और वर्टिकल डायरेक्शन अगर टिल्ट करके छोड़ा तो क्या हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर सकता है, नहीं कर सकता सर नेट फोर्स नहीं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ट्रीट कर लो तो आप श्योर कह सकते हैं डेल्टा एक्स सी ओ एम, डेल्टा एक्स सी ओ एम ये कितना होगा, आपका जीरो होगा, राइट, है ना, मतलब रॉड जो है इंक्लाइन करके गिर रहा है बट उसका सी ओ एम जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकली गिरेगा, ये आपको रियलाइज हो रही है, समझ आ रही है आपको? यस सर हां, लोकस ऑफ सी ओ एम विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, लोकस ऑफ सी ओ एम विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड रीजन आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, अब उसके बाद का देखें, मिड पॉइंट ऑफ बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, ये करेक्ट हो गया, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए इज पैराबोला, ये तो वही आता है, पॉइंट ए का पैराबोला हो ही नहीं सकता है क्योंकि पैराबोला होने के लिए आपको याद है यू नो कंडीशन क्या है,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए विद इनिशियल वेलोसिटी नॉट इन लाइन विद एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरना चाहिए ना उसको, है ना? यस सर. याद है आपको पैराबोला पाथ तो एक ही कंडीशन में बनता है, जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन पे ना हो, तो वो तो क्लियरली आप दिख रहे हैं कि पैराबोला नहीं है. ठीक है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये तो क्लियर है. बट सपोजली आपको एग्जैक्टली यू नो लोकस निकालना ही हो जाता है. सपोजली आपको लोकस निकालना है कि बताओ इसका लोकस क्या होगा, अगर लोकस ही पूछ ले कि क्या होगा तो कैसे निकालेंगे. अब लोकस निकालने के लिए क्या करें, कोई फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लो पहले. फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही आप निकालोगे लोकस निकालोगे तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ से मैं फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर रहा हूँ. मैंने क्या किया, रॉड के अलोंग ही वाई एक्सिस चूज कर लिया है. लेट अस से ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस चूज कर लिया. ऐसा मैंने क्यों चूज किया कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ मास का जो लाइन ऑफ फॉलिंग है उसी के अलॉन्ग वाई एक्सिस चूज कर लिया है, तो एक्स एक्सिस में मुझे कोई शिफ्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, अब आप ये सोच के देखो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इस पॉइंट जो टिप ऑफ ए है उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मार्क करें तो कोऑर्डिनेट्स को आप क्या लिखोगे, आप ये बताओ मुझे क्या लिखोगे, एल बाई टू साइन थीटा और एल कॉस थीटा. ये हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा और ये एल बाई टू साइन थीटा. देखो तो आ रही है क्या? हाँ सर. ठीक है, अब अगर इसके लोकस को मैं एच और के मान रहा हूँ, एच और के या x और y लिख लेते हैं, चलो ठीक है x और y लिख लेते हैं, चलो छोड़ते हैं, x और y लिख दिया. तो अभी x और y अगर कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, तो x कोऑर्डिनेट कितनी है, माइनस ऑफ l बाई टू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, है या नहीं है? ऐसा yes, हाँ. और y कोऑर्डिनेट कितनी है आपके लिए, ये बताओ, ये a के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड a के लिए. दिस इज l cos थीटा, राइट? अगर sin square theta plus cos square theta 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो तो x square by l by 2 का square plus y square by l square equal to 1 आ रहा है. क्या है, ellipse है या नहीं? ellipse. ठीक है, तो ellipse हो जाएगा, मतलब अगर end a का अगर ellipse पूछे तो आपका end a का locus पूछे तो आपका ellipse आएगा. ठीक है, तो ये आपका incorrect option हो गया. फिर उसने पूछा instantaneous torque about point of contact with the floor is proportional to sin theta. ओके, अब ये सोच के देखो, instantaneous torque about the point of contact उन्होंने पूछा है. इसमें इसमें थोड़ा सा चीज गड़बड़ है, क्योंकि जब हम बोलते हैं instantaneous torque about point of contact, तो हम सारे forces को consider करेंगे या सिर्फ gravity को consider करेंगे? बताओ, सारे forces को consider करना चाहिए? नहीं, सिर्फ gravity को कैसे? सारे forces को consider करेंगे. जब उसने बोला instantaneous torque, उसने बोला है क्या किस force का torque? बोला है क्या? नहीं. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? बी. कौन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? बी सर. हां, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? बी है ना, पॉइंट बी. पॉइंट बी एक्सेलरेटेड है या अनएक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है सर. एक्सेलरेटेड, ऑब्वियसली वो राइट की तरफ आपका शिफ्ट करता जा रहा है, वो एक्सेलरेट करके जा रहा है. सो दिस इज एक्सेलरेटेड. और एक्सेलरेटेड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब भी देखोगे तो सूडो फोर्स लेना पड़ेगा ना. आपको याद है मैंने ये चीज तो बार बार बताया था ना, कि जब आप टॉर्क कैलकुलेशन के लिए कोई आर्बिट्री पॉइंट पे बैठते हो तो ये देख लो कि वो एक्सेलरेटेड है या नहीं. और एक्सेलरेटेड नहीं है तो उसका उसके वजह से एक सूडो टॉर्क भी तो आपको लेना पड़ेगा. आंसर पड़ेगा. आई गेटिंग इट? तो इस केस में सोच के देखो कि अगर मैं ऐसा सिचुएशन दिखाऊं, जैसे ये रॉड है हमारा, ये वाली एंड बी है, ठीक है, और हम यहीं से कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान रखना, यहीं से कैलकुलेशन कर रहे हैं. आपको ये पता है कि इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ कुछ एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बी मान लेते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि अभी सेंटर ऑफ मास से आपको एक सूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा. तो ये तो m into a b ये कंसीडर करेंगे ना नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आपका mg तो है ही. अब वर्टिकल से एंगल हमने थीटा ले रखा है, तो mg का जो कंपोनेंट इधर से आ रहा है ये कितना है, l by 2 sin थीटा है ना? यस सर. हां, और ए बी के लिए जो आएगा वो तो एल बाई टू कॉस थीटा आएगा. आएगा? आएगा सर. तो अगर नेट टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू बी पूछे तो क्या लिखेंगे आप, एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड प्लस एम इंटू ए बी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ये तो तभी बोलते हैं ना जब आपका
कि एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होता, जीरो होता, होता नहीं होता। हाँ सर, ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया ना, समझ आई आपको। अगर अगर इंस्टेंटेनियस टॉर्क ऑफ ग्रेविटी बोलते तो अभी सही हो जाता ये, बट इंस्टेंटेनियस टॉर्क उन्होंने बोला है इसका मतलब ये गलत हो जाएगा ये, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर गलत दिया था जब ये क्वेश्चन पब्लिश हुए थे, तो ये आंसर गलत दिया था इसका, मेजोरिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके आंसर गलत दिए थे सबने, क्योंकि उन्होंने सबने साइन थीटा के प्रोपोर्शनल मान के इसको आंसर कर दिया था, बट जबकि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आपका वाला है ही नहीं, ठीक है। और आंसर की जब बोर्ड ने पब्लिश किया था तो इसको करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया था उन्होंने, समझ आई आपको। हाँ सर, उसके बाद से क्या पूछा, व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो करेक्ट ही है, ये तो दिख ही रहा है ना आपको, दिख रहा है आपको। पहले सीओएम अगर देखोगे तो वर्टिकल से l/2 डिस्टेंस पे था, एंड बाद में कितना है l/2 cos थीटा पे, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो है, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में जो सीओएम की हुई है वो कितनी हुई है, l/2 into 1 minus of cos theta, and this is along negative j, मतलब negative j मतलब ऊपर की तरफ मैंने positive y axis लिया है, समझ आ रही है ना आपको। हाँ सर, तो ये तो करेक्ट ही हो जाएगा, तो ये तो करेक्ट हो गया, समझ आई सभी को, समझ आ रही है सभी को, या फिर मैं बेकार का पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, और जे का क्वेश्चन लेते हैं, इसको डायरेक्टली फोटो पे इंपोर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करूं, अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 केजी एंड रेडियस 0.5 मीटर्स विद अ स्टिक एज शोन इन फिगर, द स्टिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द रिंग एंड रोल्स इट विदाउट स्लिपिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये इसको पुश कर रहा है, एंड पुशिंग फोर्स जो है इसको नॉर्मल रिएक्शन की तरह दिखा देते हैं, ये आपका 2 न्यूटन का है, अच्छा F ही लिख देते हैं, ये F आपका 2 न्यूटन का है, और यहाँ से इसको रोल करवा रहे हैं, इसकी एक्सेलरेशन जो आ रही है, दिस एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा उन्होंने, और उसके बाद रोलिंग दे रखी है उन्होंने, ठीक है, रोलिंग दे रखी है, इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ये आईसीआर ही होगा, और इस केस में इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली आएगा, ये अल्फा होगा, और द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड रिंग इज लार्ज इनफ टू इंश्योर रोलिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत लार्ज है ग्राउंड के सर्फेस में, इसने कह रखा है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग इज p/10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, अब इसमें एक चीज फिर से देखो, इसको फिर से डिस्कस करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसका डेटा फिर से इनसफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो दिया है बट ये नहीं मेंशन किया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टिक और रिंग के बीच में लग रही है, उसने बोला है क्या कहीं पे, देखो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, ऐसा बोला है कहीं, नहीं सर। तो जब हमें नहीं बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन ही मान के चलते हैं ना, लिमिटिंग तो नहीं मानते है ना। बट इस क्वेश्चन को देख के आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि सिंस उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रखा है आपसे, इसका मतलब उन्होंने लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी ले लिया होगा, समझ आ रही है। यस सर, ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, जैसे दो जगहों पे फ्रिक्शन है, एक तो ग्राउंड के सर्फेस पे उसने बोल ही रखा है कि आप मान के चलो कि सफिशियंटली रफ है, तो मैं कोई भी एक आर्बिट्री डायरेक्शन आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन ये ग्राउंड ऑफर कर रहा होगा, इसको एफ जी लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट इंडिकेट ये ग्राउंड ऑफर कर रहा है, और एक जो स्टिक के वजह से भी लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन सिंस ये ऑलरेडी ये यू नो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश कर रहा है,
तो फ्रिक्शन जो है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन एम्बिगुअस लेके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, याद है आपको? हाँ सर। फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप एम्बिगुअस लेके कैलकुलेशन करो एंड उसके बाद अगर आपने डायरेक्शन सही चूज किया तो पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर आपने गलत चूज किया तो नेगेटिव आ जाएगी। तो इसलिए ये फ्रिक्शन को लेके मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ डायरेक्शन में, या तो ऊपर होगा तो नीचे होगा, मैंने नीचे दिखा दिया है। तो ये फ्रिक्शन को मैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह दिखा रहा हूँ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एफ ही है ना, है ही नहीं है? हाँ सर। तो अब क्या करो आप, देखो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो तो आईसीआर है, तो आपको पता चल ही रहा है, चल रहा है ना? हाँ सर। अब देखो ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ऑफर कर रहा है, वहां से तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा आईसीआर के रेस्पेक्ट में। फ्रिक्शन विद फ्रिक्शन जो ग्राउंड दे रहा है उसका भी टॉर्क नहीं आएगा, एमजी का भी टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क किन की आ रही है आप ये बताओ, किन की टॉर्क आ रही है? एक एक्सटर्नल फोर्स की और एक फ्रिक्शन की। यस सर। तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू आईसीआर हैज टू बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू आईसीआर इनटू अल्फा कर लेंगे। और अब आप वैल्यूज देखो, तो ये हो जाएगा एफ इनटू आर, दिस इज एंटीक्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ फोर्स अप्लाइड, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद आर, दिस इज clockwise, and that has to be equal to moment of inertia, which is 2 mr square plus mr square, and into alpha, and this is also anti-clockwise. समझ आई आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से देखो आपको दिख रहा है, तो mu की value आ रही है 2 mr square, ओहो 2 mr square into alpha divided by FR. अच्छा ये तो माइनस है ना, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज, अच्छा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, ऐसा ही हुआ ना? हाँ सर। समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। तो इस केस में अब आपके लिए वैल्यू हो जाएगी ये, इधर डिवाइड कर दिया FR को कॉमन आउट लेके डिवाइड कर दिया तो इधर आ जाएगा, एंड फिर 1 से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 माइनस दिस क्वांटिटी। देखो तो सही है क्या, चेक करो एक बार। हाँ सर सही है। ठीक है, अब ये क्वांटिटी आएगी 1 माइनस ऑफ 2m, और अल्फा तो a ही है, एंड डिवाइडेड बाय f कर लेंगे, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास, मास इज 2 kg, एक्सेलरेशन 0.3 and applied force 2, तो ये टू कैंसिल आउट हो गया, 2 into 0.3 0.6 हो गया, 1 minus 0.6 मतलब 0.4 हो गया, और म्यू ने कह रखा था p by 10 है, अभी तो दिखी गया आपको, दिस इज p by 10, तो p का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ऐसे इंपोर्ट करते हैं, रुकिए टाइम वेस्ट नहीं। Consider the arrangement shown in the figure. The string is wrapped around a uniform solid cylinder of mass m, which rolls without slipping. The other end of the string is passed over a massless frictionless pulley to a block of mass m. Determine the acceleration of the block in terms of m, m and g. ठीक है। Normally जैसे इसको question को approach करते हैं, बिल्कुल वैसे ही approach करो। यहाँ पे mg downwards है, ऊपर की तरफ एक tension होगा, इसका acceleration कुछ एक a1 मान लिया, इसकी एक्सेलरेशन को हमने A2 मान लिया, यहाँ पे एक टेंशन होगा और रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब यहाँ पे कहाँ गया, रैप्ड अराउंड अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम विदाउट स्लिपिंग, तो यहाँ पे कुछ एक फ्रिक्शन भी होगा,
यहाँ पे कुछ एक फ्रिक्शन भी दिखा दिया, ठीक है। अब इस केस में आप देखो डायग्राम में फ्रिक्शन की तो हमें जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन अगर कंसिडर करोगे तो आपके पास एक एडिशनल डेटा आएगा। तो आपके पास वेरिएबल कितने इस डायग्राम में, कितने डायग्राम में वेरिएबल है? चार से A1, A2, T एंड F, चार वेरिएबल है ना? हाँ सर। और चार वेरिएबल के लिए हमें कितने इक्वेशन चाहिए? चार। चार चाहिए, तो चार इक्वेशन कहाँ से आएंगे? एक है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक है वो जो सिलेंडर है अपना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम, उसका F इक्वल टू MA, मतलब सेकंड इक्वेशन। एक है सिलेंडर के लिए टॉर्क इक्वेशन, मैंने टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तीन इक्वेशन। और सारा इक्वेशन तो एग्जॉस्ट कर लिया, मैंने आपको बताया था लास्ट डे भी, जब इक्वेशन कम पड़ जाए तो क्या कंडीशन लगाना होता है, कंडीशन कंस्ट्रेंट का ना, है ना? और कंस्ट्रेंट क्या है कि ब्लॉक जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन तो सेम ही मिलना चाहिए ना आपको, मिलना चाहिए नहीं? हाँ सर, मिलना चाहिए दोनों तरफ से। तो अगर ब्लॉक से देखें तो एक्सेलरेशन कितना है स्ट्रिंग का, A1, है ना? कहाँ से देखे तो ब्लॉक से देखे, ब्लॉक ब्लॉक जो डाउनवर्ड जा रहा है A1 से, तो स्ट्रिंग भी तो डाउनवर्ड जा रहा है ना A1 से। हाँ सर, हाँ। और अगर सिलेंडर अगर फॉरवर्ड रोल कर रहा है A2 से, तो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट कितने से रोल कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है, 2A2 से, याद है आपको? वी यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन दिखाओगे, जो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन दिखाओगे, तो कितना दिखाओगे, A2 प्लस अल्फा आर दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? दिखाओगे सर, दिखाओगे। और A2 प्लस अल्फा आर मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ A2 हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। हां, तो इसका मतलब कंस्टेंट क्या बना आपके पास, A1 हैज टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, तो ये पहला कंडीशन ही मान लेते हैं, ठीक है? ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका, नेट फोर्स का डायग्राम, मतलब mg माइनस t इज इक्वल टू m इनटू A1, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन इस सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, t माइनस ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू m इनटू A2, ये आपका थर्ड कंडीशन हो गया। चौथा आपके लिए टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन के लिए कौन सा पॉइंट प्रेफर करना चाहिए हमें, कौन सा पॉइंट? ICR, गुड, दिस इज ICR, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में आपके तीन अननोन फोर्सेस पास कर जा रहे हैं, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ICR विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ICR इनटू अल्फा, तो F इनटू 2R दैट हैज टू बी इक्वल टू 3/2 mr² एंड इनटू अल्फा, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। और A2 इक्वल टू अल्फा आर तो है ही आपके पास, है ना? है ना? हाँ सर, है। A2 इक्वल टू अल्फा आर तो है ही है ऑलरेडी, ठीक है? अब इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ सर, कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो अल्फा आर की तो वैल्यू मिली गई तुरंत से ही, यहाँ से ये आर हटा देते हैं, तो ये रहेगा 4F divided by 3M, that is alpha into R, and alpha into R is A2, and that is equal to A1 by 2. तो आपको A1 चाहिए था, तो A1 का वैल्यू कितना हो गया, this is, अरे F कहाँ से आ गया, F तो T है ना, सॉरी T, F नहीं लिखना बेटा, वहाँ पे T लिखना है, मैंने F लिख दिया वहाँ पे गलती से, ये T आएगा, ये भी T आएगा, तो A1 हो गया 4, नहीं 8T हो जाएगा, A1 हो जाएगा 8T divided by 3M हो जाएगा, और ये A1 की वैल्यू को या 8 ये वाले T की वैल्यू को अब आप यहाँ यूज कर लो, ठीक है? तो इसमें यूज करोगे तो क्या लिखोगे आप, mg माइनस ऑफ T विच इज 3M by 8 A1 इज इक्वल टू m इंटू A1 हो जाएगा, ये स्मॉल m है, इधर स्मॉल m है। So therefore, this becomes 8m. This is mg, and that is equal to 8m plus 3m divided by 8 into a1, and therefore a1 becomes 8mg divided by 8m plus 3m. I hope आपको clear है सबको. हाँ सर।
ठीक है, ये नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी देखो, जो टू डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड टू आर आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, इनिशियली डिस्क विद रेडियस आर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड अदर डिस्क वाज स्टेशनरी, बोथ डिस्क आर हिंज्ड एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स एंड फ्री टू रोटेट अबाउट देम, मतलब रोटेट कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क इज आई एंड दैट ऑफ बिगर डिस्क इज टू आई अबाउट देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस ऑफ रोटेशन, फाइंड द angular velocity of the bigger disk after a long time. Okay. देखो पहली चीज ये सोच के देखो, analyze करो इसमें, जो left वाला disk है वो उसके पास angular velocity था और right वाला नहीं था, इसका मतलब point of contact slip कर रहा था ना? कर रहा था? हाँ सर कर रहा था। अगर आप देखोगे तो जो velocity है, क्या हो गया? रुको एक मिनट। अगर देखोगे आप तो वेलोसिटी जो है वो स्मॉलर डिस्क का जो पेरिफेरी का पॉइंट है दैट इज ओमेगा इनटू आर और ये नीचे की तरफ है, इसी वजह से आप कह सकते हो कि इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन आपकी पीछे की तरफ लगेगी, मतलब अपवर्ड्स, और यही एक्शन रिएक्शन की तरह ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये आपका नीचे की तरफ लगेगा बड़े डिस्क पे। ये समझ आ रही है आपको? स्मॉलर डिस्क पे ऊपर की तरफ और बिगर डिस्क पे नीचे की तरफ, ठीक है? केयरफुली दिखाना आप डायरेक्शन को, देखो केयरफुली, मैंने स्पेसिफिकली दिखा रखा है, छोटे डिस्क पे देखो ऊपर दिखाया है और बड़े डिस्क पे नीचे दिखाया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो छोटे वाले डिस्क पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हो रहा है ना, देखो तो सेंटर पे बैठ के देखो आपको दिखेगा छोटे वाले डिस्क पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हो रही है, दिख रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, ये टॉर्क टाउ वन कह लेते हैं, और बड़े वाले डिस्क पे अगर देखोगे तो उस पे भी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट हो रही है, दिख रही है आपको? ठीक है, तो tau 1 की वजह से ओमेगा घटेगा, है ना? घटेगा सर। और tau 2 की वजह से ओमेगा बढ़ेगा, किसका? बड़े डिस्क का, है ना? क्योंकि जीरो पे था, राइट? होगा ना? हाँ सर होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपको ऐसा सिचुएशन दिखेगा, ये घट चुकी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी और दूसरे वाले की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी हुई दिखाई दे, ऐसा कुछ। तो इस केस में अब सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ एक ओमेगा वन हो गई है, तो इसके पेरिफेरी की पॉइंट जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ओमेगा इनटू आर होगी। और वही अगर दूसरे वाले की अगर एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम ओमेगा टू मान लेते हैं, तो उसके पेरिफेरी की जो पॉइंट होगी वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? ओमेगा, ओमेगा वन कह लेते हैं उसको, और ओमेगा टू इनटू टू आर होगी। समझ आ रही है? हाँ सर। जो पेरिफेरी का पॉइंट था स्मॉलर डिस्क का वो वेलोसिटी घट रहा था, और बिगर वाला डिस्क का पेरिफेरी पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, होगी? और अगर वेलोसिटी सेम हो गई है तो क्या स्लिपिंग होगी? नहीं होगी सर। और अगर स्लिपिंग नहीं होगी तो क्या फ्रिक्शन एक्ट करेगा? नहीं करेगा सर। इसका मतलब वहां के बाद फ्रिक्शन क्या होगा? बंद हो जाएगा लगना। तो यही क्या होगा, स्टेडी स्टेट के बाद एंगुलर वेलोसिटी हो जाएंगे उनके। समझ आई आपको? ठीक है, सो व्हेन स्लिपिंग स्टॉप्स, स्लिपिंग स्टॉप्स, ओमेगा वन इंटू आर हैड टू बी इक्वल टू ओमेगा टू इंटू टू आर। इसका मतलब ओमेगा वन हैड टू बी इक्वल टू टू ओमेगा टू, ये आपने पहला कंडीशन निकाल रखा है, ठीक है? अब इनको कैसे रिलेट करें, देखो अब हम एंगुलर इम्पल्स वाला थ्योरी यूज करेंगे, जैसे लीनियर मोमेंट, लीनियर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे ही एंगुलर इंपल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जे एंगुलर, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, लिख सकते हैं ना इस पर से? हाँ सर। डायरेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है?
दोनों पे जो एंगुलर इम्पल्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगुलर इम्पल्स है तो कैसे लिखे इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रेडियस, इससे टॉर्क मिल गया एंड इसको टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगुलर इम्पल्स मिल गया ना, टाउ डी टी मिला. और ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना. That has to be equal to change in angular momentum. Final जो है वो I into omega 1, ये clockwise है. और initial भी जो था वो I into omega clockwise ही था ना? हाँ सर था. समझ आ रही है आपको? Yes sir. अब ये एक anti-clockwise और बाकी दोनों clockwise है, तो एक और minus आएगा ना, तो इसके साथ ऐसे ले सकते हैं minus of fk into r into delta t. That will be equal to I into omega 1 minus omega. लिख सकते हैं ना ऐसा? समझ आया आपको? अब यही एंगुलर इंपल्स वाला थ्योरी अब बड़े वाले डिस्क के लिए यूज करें. तो बड़े वाले डिस्क के लिए टॉर्क कितना था? Fk into 2R. तो सेम चीज बड़े वाले के लिए लिख रहे हैं. तो Fk into 2R ये टॉर्क हो गई. और इसके साथ टाइम इंटरवल डेल्टा टी को मल्टीप्लाई किया, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज. एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ही है. तो 2i इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है एंड ओमेगा 2 एंड माइनस ऑफ 0 ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है. तो इस केस में आपका वेलोसिटी वैल्यू क्या हो गया, fk टू ऑफ रादर fk into r into delta t दैट इज इक्वल टू 2i into omega 2 हो गया. ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया. देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से fk into r into delta t को एलिमिनेट करो तो आपको क्या दिखेगा, ट्वाइस ऑफ i into omega minus omega 1 दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i into omega 2. I and 2 cancel out हो गया and यहाँ से आपको दिख रहा है omega is equal to omega 1 plus 2 omega 2 and first relation हमने निकाल रखा था omega 1 was 2 omega 2 तो इसको लिख लें अगर आप तो 2 omega 2 plus 2 omega 2 is equal to omega 2. यहाँ पे omega 1 plus सिर्फ omega 2 होगा ना, क्या क्या फिर से गलत किया क्या कुछ, omega equal to omega 1 plus omega 2 होगा ना, 2 क्यों आएगा सर. अच्छा अच्छा हाँ 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 ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक किया, सही कह रहे हैं. तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू होगी दैट इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा बाय 3 हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगा. एंड अब आप ओमेगा 1 भी आप बता सकते हैं, ओमेगा 1 कितना था आपका, 2 ओमेगा 2 तो हो जाएगा 2 ओमेगा बाय 3 हो जाएगी. समझ आई सभी को? हां सर. ये मान लो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं, ये सरफेस हमें स्मूथ दे रखा है, ये मास मान लो एम है और ये 2m मास का एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है एंड रेडियस आर का है, ठीक है रेडियस आर का. और इसने दे रखा है यहाँ पे नीचे वाला जो सरफेस है दिस इज सफिशियंटली रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, सफिशियंटली रफ prevent slipping. अब आपको ये पूछा है find acceleration of COM of sphere. sphere के COM का acceleration आपको निकालना है, ठीक है. तो फिर से पहले planning कर लेते हैं कि क्या क्या you know situation create होने वाला है. तो पहले अगर देखें तो sphere के ऊपर plank रखा होता, plank को आपने खींचा, तो प्लैंक को खींचोगे तो प्लैंक के ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा ना, लगेगा. एंड सिंस स्लिपिंग हो रही है तो स्टैटिक नेचर का होगा. यही फ्रिक्शन जब आप सॉलिड स्फीयर पे दिखाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, और ये फ्रिक्शन की वजह से ही सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. दिस विल मूव फॉरवर्ड. ये एक्सेलरेशन को आप कुछ एक मान लो ए वन, और नीचे प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है उसको मान लो कुछ एक ए टू. एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपका स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जो आएगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों चूज किया आपको समझ आ रहा है,
क्योंकि फ्रिक्शन का जो टॉर्क है, देखो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो आपको समझ आएगा, फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको, हाँ सर इसीलिए आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें दिखा रखा है, ठीक है। वेरिएबल कितने चूज किए हमने डायग्राम में दिखा दो, बताओ मुझे चार। कितने, ए वन ए टू अल्फा फ्रिक्शन, चार है ना, है नहीं है? हाँ सर चार वेरिएबल का मतलब है आपको चार इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। चार इक्वेशन कहाँ से आएंगे, एक ट्रांसलेशन ऑफ प्लैंक, दूसरा ट्रांसलेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, तीसरा रोटेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, तीन इक्वेशन तो खत्म हो गए, चौथा इक्वेशन कौन सा आएगा, कौन सा, दोनों का जो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, नहीं मतलब कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन का इक्वेशन होगा, तो पहले ही कांस्टेंट रिलेशन लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट रिलेशन क्या है, देखो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका एक्सेलरेशन देखो आपको दिख रहा है, ए वन प्लस अल्फा है, दिख रही है, दिख रही है, अरे अल्फा की वजह से अल्फा इंटू आर देखो ना फॉरवर्ड आ रहा है, हाँ सर, और ए वन भी फॉरवर्ड है तो ए वन प्लस अल्फा हो गई, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई, और ये बॉटम कॉन्टैक्ट पॉइंट से मैच करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ए टू से इक्वल होनी चाहिए, तो ये आपका कंडीशन हो गया, दिस इज नो स्लिपिंग कंडीशन। ठीक है, फिर अब प्लैंक के लिए लिखें, तो प्लैंक के लिए क्या लिखोगे आप, एफ माइनस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज ए टू, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। थर्ड इक्वेशन सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है और कुछ तो लग नहीं रहा है, सॉलिड फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 2m इनटू a1, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, एंड फिर आपका टॉर्क इक्वेशन, अगर आप टॉर्क इक्वेशन लिखोगे तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका प्रेफरेबल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक्सेलरेटेड है, और अगर एक्सेलरेटेड पॉइंट है तो अगर उस पे बैठोगे तो सुडो फोर्स m into a2 का पीछे लगवाना पड़ेगा, मतलब 2m into a2 का, समझ आ रही है, हां सर, तो इसलिए उस हमले में पढ़ो ही मत, टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू cm लिख लो, तो विद रिस्पेक्ट टू cm जब टॉर्क देखोगे तो सिर्फ फ्रिक्शन का ही आएगा f into r, तो वही लिख लेते हैं, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू cm लिख रहे हैं, एंड दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू cm into अल्फा लिखेंगे, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू cm इज स्टैटिक फ्रिक्शन into r, and that will be 2 by 5 m r square into alpha, acha mass iska 2 m tha shayad, so 2 m likhna padega, 2 by 5 times of 2 m into r square into alpha likhenge, theek hai, ye r to ek kat jayega aur expression aapke paas static friction ki 4 m by 5 times of alpha into r aa gaya, ye hui aapki fourth equation, that's it, ab char equation char variable, ab aaram se isko eliminate karke nikal sakte hain, pehle to best tarika hoga elimination ka ki aap kya karo, jo first equation hai a1 a2 aur alpha उनकी वैल्यू को ही आप फ्रिक्शन के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अपने आप ही देखो सबसे पहले फ्रिक्शन मिल जाएगी, और एक बार फ्रिक्शन मिल गया तो सारा वैल्यूज मिल जाएगा, तो देखो आप ये वाला इक्वेशन का ही सब्स्टिट्यूट क्या करो, हमेशा क्या करना कंस्ट्रेंट में ही सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो ए वन का वैल्यू कितना है देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बाई 2m प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 5 टाइम्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाई 4m इज इक्वल टू ए टू, और ए टू कितना है एफ माइनस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाई m, दिख रही है आपको यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गई, नहीं दिख रही है आप सभी को, हाँ सर, वी आर ये 7 टाइम्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय 4 एंड प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एंड देयरफॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स 4 एफ बाय 11 एंड देयरफॉर, अब आपको क्या चाहिए थी, उसने क्या पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, मतलब a1 पूछा था, ए वन का वैल्यू कितना था हमारे पास एफ एस बाई टू एम, देयरफॉर ए वन बिकम्स एफ एस बाई टू एम एंड दैट बिकम्स 2f/11, समझ आई सभी को, यस सर, ठीक है,
यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमने एफ का दिखा रखा है, एक फ्री एंड पे, ठीक है, ये दिखा रखा है, दिस इज अ यूनिफॉर्म लॉड, इसकी मास एम और लेंथ एल मान लो, और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मास 2m मान लो, और नीचे का सरफेस हमें स्मूथ दे रखा है, और रॉड जो है वो ब्लॉक के ऊपर ही हिंज किया हुआ है। आपको डायग्राम दिख रहा है ना? हिंज्ड है। हाँ हिंज्ड है, हिंज्ड है, ब्लॉक के ऊपर ही एक हिंज लगा रखा है और उस पे रॉड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना? आई होप आपको समझ आ रही है। यस सर। क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने, फाइंड द इनिशियल, मतलब इसी इंस्टेंट पे इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी आपको निकालनी है। फिर से शुरुआत करें, रॉड के लिए मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का होगा ना? हुआ नहीं होगा। तो रॉड का COM का मैं दिखा रहा हूँ, रॉड के COM का एक एक्सेलरेशन लीनियर मान लेते हैं, ये एक A1 है, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ये आपका अल्फा मान लेते हैं, और जो ब्लॉक है वो तो पक्का है आपका पीछे ही जाएगा, क्योंकि रॉड जो है वो उसका हिंज से आपका रिएक्शन पीछे मिलेगा, तो ये ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ जा रही होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ हमने A2 मान लिया, ठीक है। फोर्सेस अगर दिखाएं तो रॉड के ऊपर एक वर्टिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं NY, एंड एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दिखा रहे हैं NX, एकदम बॉटम एंड पे दिखाएंगे, ठीक है, ये NX, और यही जब आप वेज पे मतलब ब्लॉक पे दिखाओगे तो NX उल्टा हो जाएगा और NY भी आपका उल्टा हो जाएगा। समझ आई आपको डायग्राम? यस डायग्राम, ठीक है। तो इस केस में अब आपके पास यू नो वर्टिकल डायरेक्शन का तो कोई काम नहीं हमारे लिए, मतलब NY हमारे लिए कोई यूसेज का नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, एक तो A1 है वेरिएबल है, एक A2 वेरिएबल है, एक अल्फा वेरिएबल है और एक NX वेरिएबल है, चार वेरिएबल है ना? हां सर, चार वेरिएबल के लिए अगेन चार इक्वेशन, रॉड के लिए ट्रांसलेशन और रोटेशन का, मतलब F equal to MA और tau equal to I alpha, ये दो इक्वेशन हो गए, ब्लॉक के लिए क्या एक्सेलरेशन, मतलब F equal to MA का इक्वेशन, और एक कौन सा बच गया आपके लिए, और एक बच गया आपका कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब जो रॉड का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ब्लॉक के साथ है उसका एक्सेलरेशन तो कॉमन होना चाहिए ना? हाँ सर, मतलब हिंज में जो कॉन्टैक्ट है वहां पे तो हिंज का जो पॉइंट है रॉड पे, रॉड का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वही एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक का भी होना चाहिए, तो वो एक कंस्ट्रेंट बनेगा। तो वो कंस्ट्रेंट देखो क्या बन रहा है, अगर आप रॉड से देखोगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा हिंज का वो रोटेशन की वजह से आएगा अल्फा इंटू एल बाई टू बैकवर्ड्स, एंड ट्रांसलेशन की वजह से आएगा फॉरवर्ड A1, और आपको ये पता है कि हिंज जो है वो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना? हाँ सर, A2। तो कंडीशन क्या बना आपका कि A2 हैज टू बी इक्वल टू अल्फा एल बाई टू माइनस A1, हुआ या नहीं हुआ? समझे? तो ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया पहला। अब नेट दूसरा रॉड के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, रॉड के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F प्लस NX दैट हैज टू बी इक्वल टू M इनटू A1, सही है? सही है। तीसरा टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क के लिए कौन सा पॉइंट प्रेफर करोगे, कौन सा पॉइंट प्रेफर करोगे? हिंज वाला पॉइंट अगर देखोगे तो एक्सेलरेटेड पॉइंट है, तो सुडो फोर्स लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसका अननेसेसरी झमेले में नहीं पड़ते हैं, हम कौन सा पॉइंट ले लें, COM को ले लेते हैं, एक्सेलरेटेड। हाँ, COM के ऊपर बैठ जाते हैं, तो COM के ऊपर बैठोगे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि सुडो टॉर्क नहीं आएगा, तो अब टॉर्क किसका दिखेगा, COM पे बैठ के देखें, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू COM विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू COM इनटू अल्फा, ठीक है? तो अब देखेंगे तो F इनटू L बाय 2 दैट इज क्लॉकवाइज माइनस NX इनटू L बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू ML स्क्वायर बाय 12 इनटू अल्फा, समझ आई? हां सर। तो इक्वेशन क्या बना आपके पास, F माइनस ऑफ NX दैट इज इक्वल टू M इनटू अल्फा L बाय 6, ये हुई आपकी थर्ड रिलेशन, ठीक है? और चौथा इक्वेशन ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए तो नेट फोर्स आपका NX ही है और NX इक्वल टू MA कर लेंगे, 2M इनटू A2, सो NX इज इक्वल टू 2M इनटू A2, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन।
दिख रही है, फिर से देखो सेम सिचुएशन आ गया है। मैंने आपको जो बताया कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन में आप सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब ए टू का वैल्यू, अल्फा एल का वैल्यू और ए वन का वैल्यू को निकालो और बाकी सब इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो उसी इक्वेशन को यूज कर ले, तो ए टू इज इक्वल टू अल्फा एल बाई टू माइनस ऑफ ए वन था, अब इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए टू का वैल्यू इज एन एक्स बाई टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा एल, अल्फा एल का वैल्यू इज सिक्स टाइम्स ऑफ एफ माइनस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एम एंड माइनस ऑफ ए वन, ए वन इज एफ प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई एम। समझ आई सभी को? देखो तो awesome. तो ये रिलेशन आपका फाइनली हो गया, ये दिस इज थ्री एफ माइनस थ्री एन एक्स माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ एन एक्स, तो ये हो गया आपके पास 2f माइनस 4nx और इधर चला जाएगा तो 4 प्लस हाफ मतलब ये 9nx बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब nx की जो वैल्यू हो गई दैट इज 4f बाई 9। ठीक है, nx मिल गया आपको और एक बार अगर nx मिल गया तो a2 भी मिल गया आपको, सो देयरफॉर a2 बिकम्स nx बाई 2m था, तो ये जाएगा आपके पास 2f बाई 9m आ जाएगा। हो गया आंसर, समझ आइए सभी को? यस सर, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। यस सर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक एज पे एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको जस्ट कॉन्टैक्ट पे लगा के हमने छोड़ रखा है, जस्ट कॉन्टैक्ट पे लगा के छोड़ रखा है और हल्का सा टिल्ट करके इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे। अभी अगर देखोगे तो इसका सेंटर जो एकदम एज ऑफ वॉल के एकदम ठीक ऊपर है, ठीक है, ये इसका सी ओ एम है, ये दे रखा है उन्होंने सॉलिड सिलेंडर है। अब उन्होंने बोला है दिस सिलेंडर इज टिल्टेड स्लाइटली, सिलेंडर इज डिस्टर्ब स्लाइटली, टिल्टेड नहीं बोलते डिस्टर्ब बोलते, disturbed slightly and released, friction is sufficient to prevent slipping, sufficient to prevent slipping, find the angle through which the center turns at which it breaks off contact with surface. ठीक है, ये आपसे पूछा है हमने, एक मिनट, कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी क्या, मैं एक मिनट सोच रहा हूँ। ठीक है, इसी तक काफी रहने देते हैं। अब ये सोच के देखो, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, आई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? हाँ सर, अगर मैं इसको थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर शो करूं, सिंस उसने ऑलरेडी कह रखा है ये कॉन्टैक्ट ब्रेक मतलब यू नो स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब एक एज के अबाउट ही घूम रहा है ना, ये तो मतलब निकला। हाँ सर, तो देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो ये टर्न कर गया, मान लेते हैं थीटा एंगल से टर्न कर चुका है कुछ,
जिसका लोकस को दिखा देते हैं ऐसे, थीटा एंगल से टर्न कर चुका होगा, सो सेंटर कहीं यहाँ पे आ चुका है. सो दिस हैज टर्न टू एन एंगल थीटा. तो थीटा से अगर वो टर्न कर चुका है तो नॉर्मल रिएक्शन तो इधर से ही आएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा. मैं जनरल आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ कि जनरल किससे कैसे कैलकुलेशन करते हैं. तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा दिखाया हमने, और फ्रिक्शन पैरेलल टू सरफेस होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन दिखाएंगे आप, ठीक है, ठीक है ना. हाँ सर. फिर एक ग्रेविटेशनल पुल आपका एमजी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्सेस हमने दिखा दिए. अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं. देखो इसमें सेंटर ऑफ मास को आपको दिख ही रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, बट आपको ये पता चल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आईसीआर है, दैट इज आईसीआर. तो आईसीआर के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो तो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होगा. तो ये आप श्योर होकर कह सकते हैं कि ये उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आएगी दैट विल बी अल्फा इंटू आर हो जाएगी. अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, इस रिंग का मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा दिखा रहा हूँ. और एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, एंड दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर आएगा. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर. देखो कॉन्टैक्ट ब्रेक ऑफ करने की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेक ऑफ करने की बात कर रहे हैं. तो कॉन्टैक्ट ब्रेक ऑफ करने का मतलब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन जीरो, राइट? यस सर. और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन भी जीरो. यस सर. ना, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आता है. नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन कहाँ से रहेगा? तो ये दोनों ही फोर्सेस आपके वैनिश कर जाएंगे, बट उसके पहले तक उनका रोल होता डेफिनेटली. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए उनका कोई रोल नहीं होगा. तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे इसमें पहले तो ओमेगा निकाल लेते हैं. आपको पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लग रही है वो एक ऐसे पॉइंट पे लग रही है जो स्लिप ही नहीं कर रहा है, और स्लिप नहीं कर रहा है तो उनका कोई नेटवर्क नहीं हो सकता है, और नेटवर्क नहीं होगा तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो आपका कंजर्व रहेगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी वर्क परफॉर्म कर रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लॉस हो रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी की आपका गेन होगा. एंड इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस मतलब एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा. ये समझ आ रही है आपको? सेंटर ऑफ मास कितने इंच से नीचे आया है दिख रहा है आपको? हाँ सर. एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसको आप डायरेक्टली हाफ ऑफ आई अबाउट आई सी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं. तो हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई सी आर विच इज 3/2 mr², सिलेंडर है, इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लिया. और देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको एक लाइन में मिल गई है, ये आर भी कैंसिल आउट हो गया. सो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 4/3 times ऑफ जी इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा. ये आपका इक्वेशन बन रहा है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड सिंस उसने ऑलरेडी कह रखा है कि आपका यू नो एम जी का जो वैल्यू है वो सफिशियंट है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का इस पॉइंट पे, क्योंकि एन जीरो हो गया है. तो एम जी का जो कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स दिस सेंटर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? एम जी कॉस थीटा, दिख रहा है आपको? हाँ सर. तो आप इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, बट नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करना है क्योंकि कॉन्टैक्ट ब्रेक कर रहे हैं आप. समझ आ रही है ना आपको? ठीक है. यस सर. तो यहाँ से एम जी कॉस थीटा is equal to m into omega square r, which is 4/3 g into 1 minus of cos theta. यहाँ से m g cancel out हो जाएगा और यह 3 cos theta is equal to 4 minus of 4 cos theta. And therefore, cos theta की value आ रही है 4/7. So theta is cos inverse of 4/7. समझ आई? समझे? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है. अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इफ मान लेते हैं ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है, इफ इन प्रीवियस प्रॉब्लम, प्रीवियस problem, it was found that at cos theta equal to 6/7,
the cylinder started slipping. Then find mu. फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको निकालनी है, ये कितना आएगा? देखो जब वो स्टार्ट करेगा स्लिपिंग स्लिप करना, उस वक्त फ्रिक्शन क्या लगेगा? लिमिटिंग। हाँ सर। तो लिमिटिंग मतलब क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, होगा ना? होगा सर। ठीक है, तो अब आप कंडीशन क्या दिखाओगे सोचो, उसी डायग्राम को अगर मैं फिर से वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ, देखो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक यहाँ से अगर सोचे ऐसा कुछ इस वर्टिकल लाइन पे था पहले और ऐसे टर्न करके कुछ एक आ चुका है। ठीक है, ये एंगल थीटा पे टर्न कर चुका है, एम जी इधर से एक्ट कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट कर रहा था एंड फ्रिक्शन ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं और जस्ट ये अबाउट टू स्लिप वाले कंडीशन में आ चुका है, ये ऑब्वियसली ये आईसीआर है, अब तक तो आईसीआर ही है। हमने इसका ओमेगा भी निकाल ही रखा है ऑलरेडी, इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही हमने निकाल रखी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वी हैव फाउंड आउट एंड वी हैव ऑल्सो सेड दैट दिस हैज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, सो इसके पास एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास के पास जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहे थे और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा इनटू आर और इसके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जो कि होगा आपका ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, अब आप क्या करो, इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करो, एम जी के कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं पहले, तो इधर का तो एम जी कॉस थीटा है ही और इधर का आपका एम जी साइन थीटा भी है। ठीक है, एक रिजल्ट पिछला जो हमने निकाल रखा है ओमेगा का वो वाला वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ फिर से। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर वाज 4/3 जी इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर वाज 4/3 जी इनटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू उसने कितना दे रखा था 6/7, तो इसको लिख लेते हैं, तो दिस इज 4/3 जी इनटू 1 माइनस ऑफ 6/7 व्हिच इज 1/7 आ रहा है ना? हां सर। हां ठीक है, so this becomes 4/21 times of g, this is omega square r ka value. ठीक है, this is your first equation now. अब आप लिखो equation net torque equal to I alpha के लिए, so torque with respect to ICR, that will be moment of inertia with respect to ICR into alpha, तो आएगा सिर्फ और सिर्फ mg sin theta का, mg sin theta into the perpendicular distance which is r and that has to be equal to moment of inertia with respect to ICR. With respect to ICR, moment of inertia, since this is a solid cylinder, so 3/2 mr square. 3/2 mr square into alpha. And m to yahan se hata dete hain, ek r bhi hata dete hain yahan se. To yahan se aapke paas aa rahi hai alpha r ka value is coming out to be 2/3 times of g sin theta. Ab sin theta ka value will be cos theta is 6/7. To sin theta ka value will be sin theta will be base by hypotenuse, no? So this will be root under 13/7. Root over 13/7 आ जाएगा, 13/7 आएगा. So sin theta का value root under 13/7. तो ये हो गया आपकी second equation. और अब हम क्या करें? अब हम along the normal net force equal to mass into acceleration लिखेंगे. तो mg cos theta minus n equal to m omega square r. mg cos theta minus n equal to m into omega square into r. So n ka value is coming out to be mg cos theta which is 6/7 minus of m into omega square r and that is 4/21 into g. So this becomes 3 6 are 18, 18 minus 4 is 14, so 14 mg by 21. So this is basically 2 mg by 3. यार ये ना देखो, तो एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, मेरा कैलकुलेशन ठीक अगर होगा तो पकड़ना। ठीक है, हां सर, ये आ रहा है। ये हो गई, अभी हम अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन जिसको हमने मार्क किया है, तो वहां पे आएगा mg sin थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू अल्फा। ठीक है, सो mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज 2 mg by 3 दैट हैज टू बी इक्वल टू m इनटू अल्फा।
एंड अल्फा आर वॉज 2/3 टाइम्स ऑफ जी इंटू √13/7। समझ आइए ना, ये टुवर्ड्स इस ये अलोंग सेंटर या रादर, एक बार मैं जस्ट लिख देता हूँ, ये सेंट्रीपिटल है, ठीक है ना, ये पहला जो लिखा था ये सेंट्रीपिटल लिखा था और अभी जो लिखा है ये टेंजेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपको म्यू आराम से मिल जाएगा, यहाँ से तो एम जी को हटा ही देते हैं, एम जी हट जाएगा और यहाँ से आपके पास आ रही है 2/3 ऑफ म्यू इज कमिंग आउट टू बी साइन थीटा वाज √13/7 एंड माइनस ऑफ 2/3 ऑफ √13/7, सो दिस बिकम्स √13/7 इनटू 1/3 एंड दैट इज 2/3 ऑफ म्यू, थर्ड थर्ड कैंसिल आउट एंड म्यू का वैल्यू बिकम्स √13/7। आंसर हो गया, समझ आई? हाँ सर, सबको समझ आ रही है सर? यहाँ पे तो जो सिलेंडर है वो तो सर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही कर रहा है ना? हाँ, ग्राउंड से देखोगे तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही दिख रहा है, बट आईसीआर से क्या प्योर रोलिंग? हाँ सर, देखो वैसे भी तुमको एक चीज समझ आना चाहिए था कि ये जो है ये एक्चुअली प्योर रोटेशन का ही केस है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मूव कर रहा है, क्या चेंज हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा सर, तो ये तो प्योर रोटेशन का ही केस हो गया ना। प्योर रोटेशन का और मतलब ही क्या था, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आईसीआर के थ्रू पास कर रहा है ना। हाँ सर, और वो तो फिक्स ही है, वो पॉइंट तो चेंज नहीं कर रहा है। जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में रोल करता था तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता था, बट यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे की तरफ शिफ्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं सर, वही पॉइंट घूम जा रहा है उसके अबाउट। अगर कोई आपको ग्राउंड से दिखाए, अगर आईसीआर नहीं दिखाए, तो फिर आप बोलेंगे कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का केस है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपको शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है, वैसे बोलते हैं। बट अगर आपको ये दिख रहा है डायग्राम में कि हाँ वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वहाँ मेंटेन होके चल रहा है, तो फिर इस केस में तो प्योर रोटेशन ही बोलेंगे ना इसको, ठीक है सर? हाँ ठीक है।